जी मावे 50 आदमी आ रहे हैं और क्या नाम है परेशान हो रहे हैं पूरे गज्जू वाला मैनर टेल पैदा है इस बार के नाम पानी की समस्या मामला जी बार बार कह रहे हैं कदे 8 ना पानी पूरा करेंगे 9 ना पानी पूरा करेंगे मामले मच्छर काटने लग रहे हैं जावा खाली पावन लग रहे हैं जबाया करे तो करा के जी उरा हमारी सुनाई उरी निटवा नाम आया क्या बैठे उरा मिल नहीं रहे मामले ये किसकी वो एप्लीकेशन दिया तो अभी एसडीओ से बात हुई क्या बोला यू कह रहा जी 1 घंटा मैं 2 घंटे हो गए मामले जाके कहना मैं रोटी भी टंगरी है जोड़ा टंगरे मारे नू कहनू रोटी थी मामने खाई नहीं इतने परेशान हो रहे हैं जी आत्महत्या करने तैयार हो रहे हैं मामे जी अगर समस्या का हल मैंने जी के नाम है ठेका में ले रखी जमीन जी आज लग मेरा एक पानी की घूंट नहीं लगी जी ठेका में रखे जी मैंने मेरे के नाम है कहां से दूंगा जी मेरा नहीं पैदा हुई तो जी मैं ठेका कहां से दूंगा मैं खुद ही खुशी करनी पड़ेगी जी टाइम पर पैसा नहीं पहुंचागा क्या अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करोगे आगे जी जावांगे जी तोड़ जी जाना मामना जी तोड़ ले जाके उड़ा जाऊंगा जी जड़ाना उड़ा जी जाऊंगे जी पानी आख लेंगे मामे बे आके नहीं आ आख लेंगे जी मारा अंदर है जी और कहां से हो मेरा नाम रामपुर है गांव से मैं क्या कारण है जी आप यहां पर आए हो हम पहले पे बैठे हैं हमारे 2 घंटे पहले 1400 जिसके वहां पानी नहीं पूरा हो रहा बिल्कुल भी जे हिसाब से बहुत बार बात करते हैं एसडीओ साहब भी कहते हैं मेरा पानी पूरा कराओ तो ये कहते हैं कि हम असमर्थ हैं भाई पीछे से पानी कम है बोला 9 तारीख ने 5 का पानी पूरा कर देंगे 9 ना पूरा नहीं उसका बोला 11 ने कर दिया 11 ने पूरा नहीं आया एसडीओ ने कहा एसडीओ का एक्शन ना बात करो तो हम तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है जबकि ये सरकार कहती है कि भाई ये सरकार आखिरी छोर तक पानी देने में सक्षम रही है हम कहते हैं फैल रही है हम और उसके बावजूद ये दोनों खड़े अभी 3 करोड़ से प्लस लक्का भी पूरा काम नहीं है कुछ काम बाकी है वो बनवाए हैं उसका फायदा क्या बनवाने का हमने अगर खाड़ा आपने नया बनवाया तो हमने पानी भी दो वहां से फोन से बात नहीं बनी तो हम यहाँ एसडीओ ऑफिस में आए हैं एसडीओ से बात करने मिले मतलब 1.5 घंटा मैं 1.5 घंटा ले बाहर हूँ एक्शन से बात करिए एक्शन का मेरा तबादला हो गया तो हमने एप्लीकेशन लिखी है ये हम देखते हैं कौन सा कर्मचारी मिला पूछ कर से देवा में सर आज गांव से मैन और एक दो गांव से मिलकर लोग आए थे आपको ज्ञापन दिया क्या रहा बताएंगे इसके बारे में ये गदू वाला महेंद्र के टेल के जिम्मेदार थे 2-3 गांव के एक्चुअल में समस्या क्या रही है इस पीओ के अंदर पंजाब में कुछ बीएमएल के ऊपर काम हुआ कोई पाइप क्रॉसिंग का जिसके कारण पानी की सप्लाई रिड्यूस कर दी गई थी पीछे से अब वो काम कंप्लीट हो चुका है तो धीरे धीरे सप्लाई इंक्रीज हो रही है जिसके कारण सारी टेलें सफर हुई हैं वो तकरीबन पानी कम पूरा हो चुका है अब आज शाम तक उम्मीद है गदवा महेंद्र के टेल पे पानी पूरा हो जाएगा तो ये कह रहे हैं हमारी काफी समय से मांग है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है कई बार मिल चुके हैं आज भी अगर आए तो आप नहीं मिले पहले भी हमें बहुत समय हो गया यहाँ पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है क्या नहीं देखो पहले इनका टेल का खाड़ा बन रहा था जिसके कारण इनकी डिमांड नहीं थी पानी की अब मेन अब पैडी सीजन शुरू हुआ है अब डिमांड हुई है तो अब पानी इनका पूरा कर देंगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बात और पूछना चाहूंगा सर जैसे आपकी गैर हाजिरी में मान लो आप अगर कोई साइट वगैरह पे गए हो पीछे से किसका दायित्व होता है अगर कोई अपना मांग पत्र लेकर आता है या विज्ञापन लेकर आता है वो कैसे आप तक पहुंचेगा वो आप रिसीट करा दो डिविजन ऑफिस में करा दो सब डिविजन ऑफिस में करा दो वो हम आएंगे जब उनको देख लेंगे तो आज इनकी समस्या का हल हो जाएगा हाँ समस्या शाम तक इनका टेल पे पानी पूरा हो जाएगा